अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय फसाला किचन। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? आज मैंने सोचा आज क्यों ना सुबह छोटा सा एक व्लॉग बना दिया जाए और थोड़ा सा दिखा दिया जाए कि सुबह मैं कितनी तरफ चौक कर रही होती हूँ। घर में सारा ये चाय बनाने रखी हुई है, अभी मैंने यहाँ पर भिंडी में कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे के आने का टाइम जब होता है ना तो बस फटाफट से चीज़ें बनानी होती हैं। बच्चे स्कूल से आने वाले होते हैं ना तो बस जल्दी जल्दी हमें रेसिपी बना करके और सब तैयार करके रखना होता है। यहाँ मेरी चाय का पानी भी हो गया, मैंने सोचा कि ना व्लॉग बना लिया जाए, छोटा सा थोड़ी सी सफाई भी रहती है वो भी करनी है। आज तबीयत तो ठीक नहीं थी तो थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसमें हल्दी डाल करके इसको पकाने रखी है, अब ये ना हल्दी आके हो जाएगी ना तो हम इसको देखते हैं। इसके अलावा मज़ीद और काम करते हैं, मेरी चाय का दूध भी हो गया, मैं इसमें पानी पत्ती डाल दूँ जल्दी जल्दी, पता नहीं क्या क्या पत्ती डाल दूँ ताकि चाय हो जाए। आज सुबह से सब में शदीद दर्द हो रही है तो मैंने सोचा कि मैं अभी चाय बना ली जाए, गला भी ख़राब हो रहा है वैसा। और थोड़ी सी सफाई सफाई भी कर ली जाए जल्दी जल्दी। जो भी फिंगर अगर मनाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सा लुक आता है, और उस टाइम सब्जी वाला जा रहा था तो मैंने सोचा जल्दी से लेकर क्यों ना बना ली जाए। मैं इसको अब दम पे लगा दी ठीक है ना, दो देर के लिए ताकि ये स्टीम में सही से गल जाए। चाय भी हो रही है, हुई नहीं आई, बाकी ये सब अभी फैला हुआ जो है इस सबको भी अभी सेट करना है मुझे, तो ये सब सामान अभी हम सेट करेंगे, थोड़ी सी सफाई सुथराई कर लें ठीक है ना, उसके बाद फिर हम काम को ख़त्म करते हैं। यहाँ का तो साफ़ सुथरा हुआ है, बस मुझे चादरें रखनी है, चादरें शादरें रख के मैं क्लीन कर लूँ ज़रा। थोड़ा झाड़ पछाड़ कर ली जाए डस्टिंग ताकि जगह साफ हो जाए। बच्चों का किताबों का एरिया होता है तो ये बुक शेल्फ है, इसमें अब स्पेस नहीं है तो इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। एक्चुअली जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो टॉयज बहुत होते हैं, और टॉयज जब होते हैं ना तो फिर टॉयज के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, तो मतलब कि टॉयज आपने यहाँ नहीं रखने, मम्मा यहाँ नहीं रखने, तो यकीन करें बंदा ना बेजार हो जाता है कि कहाँ रखें बेटे टॉयज। आप लोग तो चाहें कि टेबल पर टॉयज रखें तो बड़ा मसला होता है, टॉयज ऐसी जगह रखें मम्मा कि हम जो है ना इजीली इसको ले सकें, भाई इतने टॉयज कैसे रखें। क्लीनिंग कर लें तो इसी टेबल की ताकि टेबल भी क्लीन लगे। जनाब टेबल हमारी क्लीन हो गई है, ये हमारा पार्ट क्लीन हो चुका है, चाय मेरी अब हो रही है, अब हम चाय की तरफ आते हैं ज़रा। चाय हो रही है ठीक है ना, चाय निकाल लेते हैं क्योंकि सर में शदीद दर्द है जी। तो जनाब हमारी चाय भी रेडी है, आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ, क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है हमारी ठीक है ना, डन है। तो इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है एक नए व्लॉग के साथ और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।